इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी में हम लोग इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करेंगे। तो हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है लेफ्ट साइड में बॉडी के, चेस्ट में, रिब्स के पीछे। तो कोई भी हार्ट जो है, हार्ट में सिग्नल्स इलेक्ट्रिकली जाते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे अपना मोटर पंप है, बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चल सकता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी गया तो वो पंप करेगा, तो वो हार्ट से पूरा ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, लंग्स में जाएगा और पैरों में जाएगा। तो इस एक्टिविटी में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो ईसीजी मशीन में रहते हैं। तो अब बॉडी में एक राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, राइट लेग है और लेफ्ट लेग है। चार तरफ इलेक्ट्रोड लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हैं आर्म्स पे जो लगते हैं, ये बाईपोलर इलेक्ट्रोड हैं। बाईपोलर इलेक्ट्रोड मतलब दो इलेक्ट्रोड रहेंगे जो नापेंगे और तीसरा उसके लिए तुलना में रहेगा। तो टोटल जो ईसीजी मशीन में होती है वो 12 लीड ईसीजी होती है। इसके अगर प्रिंट आउट देखो तो इसमें 12 12 रीडिंग रहती है। 1 2 3 AVR, AVL और AVF, और फिर V1 से V6, इसको C1 से C6 भी बोल सकते हैं। तो पहला मतलब हम ये एक त्रिकोण बन गया, तो चार इलेक्ट्रोड लगेंगे, राइट आर्म में एक, लेफ्ट आर्म में एक, राइट फुट में एक और मतलब एंकल में एक और लेफ्ट एंकल में एक। जो राइट लेग का रहता है वो कलर हर मशीन में ब्लैक रहता है, बाकी के कलर्स चेंज होते रहते हैं। ये ब्लैक है क्योंकि ये अर्थिंग है, ये एक्टिव नहीं है मेजरमेंट में। तो एक हार्ट इस साइड है, तो राइट 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 लेफ्ट और लेफ्ट का ही पैर, तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, इनको अपन एंडोवन्स ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इसमें हम लीड वन मेजर कर रहे हैं, मतलब हम इस तरफ बैठ के हार्ट को देख रहे हैं यहाँ से, तो ये वन है, ये दोनों को नाप रहा है इधर से इधर से। जैसे एक बिजली का सेल होता है ना, तो दो तरफ होता है ना प्लस माइनस, ऐसी लीड टू में हम इस तरफ से देख रहे हैं, लीड थ्री में हम इस तरफ से देख रहे हैं, AVR में हम यहां से देख रहे हैं इस कॉर्नर से, AVL में इस कॉर्नर से, और AVF मतलब फुट साइड में नीचे से। तो हम छह डायरेक्शन से हम इसको हार्ट को देख लिए, ऊपर से, नीचे से, किनारे से और कॉर्नर से। अब उसके बाद हम हार्ट को एकदम हार्ट के पास जाके रिब्स के बीच से देखेंगे, तो वो C1, C2, C3, C4, C5, C6 आता है। सबसे पहले हम जेली लगाएंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड, लेफ्ट आर्म का, फिर राइट आर्म का, फिर राइट लेग का और लेफ्ट लेग का। फिर जो हार्ट में इलेक्ट्रोड चेस्ट एरिया में रहते हैं उसमें C1 रहता है, वो स्टर्नम में निप्पल्स के ऊपर सेकेंड रिब्स जो रहती हैं, एक राइट साइड में V1 आ जाएगा और उसी के पैरेलल सेम लेवल पे V2 आ जाएगा। फिर V3 जो है वो स्टर्नम के लेफ्ट साइड में ही, V2 के थोड़ा नीचे, निप्पल से हल्का सा ऊपर आएगा, वो V3 है। फिर निप्पल के जस्ट उसी लेवल पे, निप्पल से हल्का सा नीचे और V3 से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ V4, और निप्पल से बिल्कुल नीचे लगभग दो रिब्स छोड़ के V5, हल्का सा लेफ्ट, और V6 जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब एकदम जो हमारे बॉडी शरीर का नहीं। साइड वाला एरिया है वहां पे। ये लीड्स जो है ये V1 से V6 मेजर करेंगे, तो टोटल ये 12 लीड्स हो जाएंगी। तो हम हार्ट को चारों तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आता है तो कई बार ऐसा रहता है कि हार्ट का एक एरिया या कोई एक एरिया इफेक्टेड है, तो अगर हम एक तरफ से देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। तो कई बार सिर्फ हार्ट का ऊपर वाला एरिया प्रभावित होता है, कई बार साइड वाला, कई बार नीचे वाला, तो ये हम साइड साइड देखें, कई बार आगे और पीछे का, तो आगे और पीछे के लिए चेस्ट लीड साइन करती है। तो इससे हमको कोरिलेशन होता है कि एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर तो बाकी बहुत सारे टेस्ट हैं ही हैं। तब ये लीड इसमें लगी हुई है, ये राइट आर्म की लीड है, लेफ्ट आर्म की, फिर ये राइट फुट की ब्लैक जो कि ब्लैक रहती है जो इनएक्टिव है, और लेफ्ट लेग की, और चेस्ट लीड्स रहती हैं ये स्टर्नम के एक साइड में V1, फिर V2, V3, निपल के जस्ट थोड़ा सा नीचे और राइट की तरफ V4, फिर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ V5 और मिड एक्सिलरी लाइन में V6। जब ये सेटिंग सेटिस्फाइड है तो अपन मशीन में एंट्री करेंगे जो भी नाम और डाटा किया। मशीन ऑन किया अपन। इसमें मशीन में ना बेस लाइन होता है, वो बेस लाइन के अकॉर्डिंगली उसमें वोल्टेज रिकॉर्ड होती है। ईसीजी मशीन का रोल है रोल
और इसमें एक खांचा भी दिया हुआ है। इस खांचे को अपन मशीन में इस जगह खांचे दिया हुआ है इसमें बैठालना पड़ता है, तो इसको ऐसा अपन डाल देंगे और इसको खांचे से मिला के ही लगाना है। और एक हाथ में पेपर पकड़ के अपन मशीन का ढक्कन बंद करेंगे और ये बंद हो गया। यहाँ से फिर अपन आन के लिए चालू करेंगे मशीन को। बीच में कोई नहीं बोलो, मैं कट कर रहा हूँ, बोलना। कुछ देर रुकने के बाद में रीडिंग आएगा इसमें। ये रीडिंग आ गया, ईसीजी लीड का भी बता रहा है, इसमें मेल का भी दिया हुआ है। और फीमेल करेंगे तो अपन इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें एरो आ जाता है ना। और उसके बाद में फीमेल करना है अपने को, तो साइड वाले बटन को चाहे इधर दबाओ चाहे जब तो डेली के अंदर है।